हम गल जर्मनी की करते हैं जिथे हर साल वांग इस साल भी फ्रैंकफर्ट च बिहार महोत्सव करवाया गया जिसका मुख मकसद बिहार के इतिहास और विरासत कला सभ्याचार के नाल अपनी नवी पीढ़ी को जोड़ना है। प्रोग्राम च 200 तो वध कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आओ तुहानू भी लै चलदे हां इस प्रोग्राम दे विच विखाउने आं तुहानू इत्थों दीआं कुछ बेहद खास झलकियां। मैं संस्कृति से बिहार महोत्सव 2024 में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई। आप लोग जो अलग अलग शहरों से आए हैं, चाहे फ्रैंकफर्ट में आए हैं, फ्रैंकफर्ट के लोग खास करके इस बार पूरा जो भी इवेंट है ये फ्रैंकफर्ट चैप्टर द्वारा आयोजित है, तो इसलिए उनको एक बार बधाई के पात्र हैं, तो इसलिए अपने लिए एक बार तालियां। तकनीक ने एक लंबा सफर तय किया है, इसमें काफी उतार चढ़ाव भी रहा है। 2018 में जब हम लोगों ने पहली बार बिहार महोत्सव बर्लिन में किया था, तब मैंने दुष्यंत की कुछ पंक्तियां बोला था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तो हमने हंगामा भी किया है और पूरा मुझे उम्मीद है कि हमने सूरत भी बदली है। और ये जो बिहार एक भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, हमारी भी खासियत है, विशेषताएं हैं, बस उसको सबके सामने रखने का ये प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग बहुत हद तक सफल हुए हैं इसमें, और बहुत लोग नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ करने का है। ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट अपना रहा है और ये हम लोग जैसे बिहार महोत्सव कर रहे हैं, हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं जर्मनी में और वो लोग भी अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पर काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, उनको हम लोग मतलब बूस्ट करने की ज़रूरत है और अभी हमें बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, ये तो बस शुरुआत है। तो बस इसी इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। देयर वाज अ स्मॉल डेलीगेशन विच केम टू सी मी, वन ऑफ द गर्ल्स नेम वाज हिमांशी झा। आई टेल दिस स्टोरी टू एवरी जर्मन हु टॉक्स टू मी and asks me about Indian women. So Himanshi came with a delegation and she told that she wants to invite me for an event. Then I asked, you look very young, I mean you look like a student, what do you do? She said that I work here. But then I asked her again, did you study in Germany? She said, yes, I studied a double bachelor's degree in a Hochschule. Then I said, that will be in German language, how did you manage? She said, I studied German language up to C2 level from Madhubani and online, in an online course. I was so astonished that how did you finish this in online course? She said that I managed to finish this in online course. Then I asked her, where do you work now?
So sitting in my office, she showed through the window and told that I work in PwC as a data scientist. I asked her, when you came here, did your parents come with you? She said, no, I came alone. And I go every one or two years and I meet my parents. So when Germans talk to me about Indian women, I give this example. This is the example of 2024, 2020. Women, how are you? How in the 21st century women have progressed in India? So like there are so many Nimanshi Jhas in India and I am really very happy to see them coming from Bihar. अपने ओरिजिनल थॉट में उतारती हूँ, ये मैं किसी का कॉपी नहीं की हूँ और मैं इस क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहती हूँ और अपने बिहार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जी, हम लोग जर्मनी कमर्शियल सिटी फ्रैंकफर्ट में हम लोगों ने आज बिहार महोत्सव रखा है। ये हर साल एक बिहार फर्टिनिटी की तरफ से एक बड़ा इवेंट होता है जिसमें जर्मनी के अलग अलग शहरों से लोग आते हैं। इसमें सिर्फ बिहारी ही नहीं, बाकी नॉन बिहारी नॉन इंडियन भी रहते हैं, काफ़ी लोकल जर्मन यूरोपियंस भी रहते हैं। तो इसमें हम लोग इसमें हर बिहार के हर कला संस्कृति खान पान सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो एक पूरा बिहार जो है, बिहार अपने में एक भारत का अभिन्न अंग है, उसको दिखाने का एक जरिया है, एक माध्यम है, बस उसको दुनिया सामने रखते हैं।